Dear students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am in chapter. First chapter is about microorganisms, friends and foe. And in this chapter today, my topics are to discuss is about food poisoning and food preservation. And it is 8th standard science. Now today we discuss about the what do you mean by the food poisoning. Food poisoning kya hoti hai? Food poisoning kal hum discuss kar rahe the previous lecture mein harmful microorganisms. Is kadar bhi organism jo hai माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वो इस लिहाज से भी हार्मफुल है. दे आर पॉइजनिंग आवर फूड स्टफ. दैट मीन्स दिस फूड पॉइजनिंग टेक्स प्लेस बाय द माइक्रोबियल एक्शंस बाय द माइक्रोबियल एक्शन. माइक्रोब्स के एक्शन के बदौलत से फूड बिकम्स ए पॉइजन टॉक्सिक. If it is consumed, then there is a food illness. Illness could be taken. Then we can say food borne diseases can take place on consumption. And there could be fatal death. Therefore, how microbial, by the microbial action, our food is becoming poisoning. That means toxic, and then it is consumption leads to death and or the disease. Hamare food mein, food stuff mein, jo components hote hain, components like carbohydrates, like proteins, like fats. आमतौर देखा जाता है फूड में दो तरह के कंपोनेंट्स आमतौर डिग्रेड होते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स एंड लीड्स टू स्पॉइलिंग ऑफ फूड. दैट और कंपोनेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स. खासतौर ये खराब हो जाते हैं और फैट्स. खासतौर देखा जाता है जो फूड स्टफ में जो आमतौर कंपोनेंट जो होते हैं शुगर सोर्सेस एंड फैट्स ऑयल्स. ये आमतौर दे आर डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड लीड्स टू इट्स स्पॉइलेज. देन वी कैन से व्हेन देयर इज अ माइक्रोबियल एक्शन ऑन अ फूड स्टफ खासतौर इन दो फूड के कंपोनेंट्स जो है डिग्रेड होते हैं बाय द माइक्रोबियल एक्शन देन देयर लीड्स टू फूड स्पॉइलेज. फूड इज स्पॉइलिंग. नाउ दिस फूड स्मेल बैड एंड इट्स टेस्ट जो इसका नेचुरल टेस्ट होता है वो भी चेंज होता है एंड कलर भी चेंज होता है. वो फूड स्पॉइलेज में आप देखोगे इसमें जो टेस्ट है वो टेस्ट भी चेंज होगा विल बी चेंज्ड और इसमें जो स्मेल होगा वो भी फॉल होगा बदबूदार बैड. इट स्मेल बैड एंड इट इज कलर जो इसका कलर होगा वो भी चेंज्ड होगा. तो ये तीन इंडिकेशन है फूड के जो हमारा फूड स्पॉइल हुआ है उनमें इस तरह के बदलाव आता है. मिठास में भी बदलाव आती है मतलब स्मेल में भी वो बदबू आती है उससे और कलर भी जो फूड स्टफ का वो भी चेंज होता है. अल्लाह ताला ने हमें टंग से टंग दी है एंड टंग बियर्स टेस्ट बड्स. जब भी हम इस खाने को मुंह में डालेंगे हमें इन टेस्ट से ही पता चलेगा या स्मेल से ही पता चलेगा जो हमारे नोज में
ऑलिफैक्टरी जो रिसेप्टर्स है, बहुत सारे हमारे अल्लाह ताला ने डिटेक्टर्स दिए हैं, रिसेप्टर्स दिए हैं, जिनसे हम फूड को फूड फूड की खासियत पता लगा सकते, और कलर आंखों से ही पता चलेगा इसका कलर बिल्कुल चेंज हुआ है। तो इन चीजों में जब बदलाव आएगा, इन तीन चीजों में जब फूड में बदलाव आएगा, वी कैन से द फूड इज स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोबल एक्शन एंड देयर लीड्स टू अ फूड पॉइजनिंग ऑन द कंजप्शन। नाउ दिस फूड पॉइजनिंग इट्स नेचर चेंज, इट्स केमिकल नेचर, इट्स फिजिकल नेचर, बोथ चेंजेस एंड नाउ इट बिकम्स टॉक्सिक ऑन कंजप्शन ऑफ फूड ऑफ दिस स्पॉइल्ड फूड। इट लीड्स टू द डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, इट लीड्स टू इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड वी कैन से समटाइम्स देयर इज अ एलर्जी दैट टेक्स प्लेस ऑन कंज्यूमिंग द स्पॉइल्ड फूड। देयर इज अ एलर्जिक रिएक्शन दैट लीड्स टू एलर्जी एंड इवन कहा जाता है दैट इट इज सो फैटल देयर कुड बी अ फैटल एंड लीड्स टू डेथ ऑन इट इज कंजप्शन। इट इज दैट मीन्स टॉक्सिक। इट कंटेन नाउ दिस फूड कंटेन द और हम कहेंगे ऑल्टरेशन टेक्स प्लेस, ऑल्टरेशन टेक्स प्लेस, जिसमें फूड का जो नेचुरल कंपोजिशन है, ऑल्टरेशन में क्या हुआ इस फूड में, इसमें जो नेचुरल कंपोजिशन है, नेचुरल कंपोजिशन वो चेंज हुआ है, दैट नेचुरल कंपोजिशन शबाश चेंज, उसी कुछ चीज को कहते हैं हम ऑल्टरेशन बाय द माइक्रोबल एक्शन एंड देन हेंस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग, देन फूड बिकम पॉइजन टॉक्सिन। नाउ देयर इज द डिजीज टू हियर ऑन कंजप्शन ऑफ द फूड पॉइजन, फूड ऑन कंज्यूमिंग दिस स्पॉइल्ड फूड बाय द माइक्रोबल एक्टिविटी देयर लीड्स टू द डिजीज। आई विल मेंशन द डिजीज विच इज वेरी प्रॉम्प्ट और द डहरिया दैट इज अ वॉटरी डहेरिया, देयर इज अ नॉसिया डिजीज, देयर इज कॉमन वोमिटिंग, देयर इज द एब्डोमिनल पेन, देयर इज ऑल्सो अ एलर्जिक रिएक्शन विच लीड्स टू द फीवर, फीवर एंड हेड एक। Following are the common diseases which are associated on consuming this food which is spoiled by the action of the microbes. When there is the growth and development on the components of food and this food is not hygienic, it is not properly covered, it is not properly cooked, ये भी दूसरी वाली बात है, if it is not properly cooked, it is not properly managed, it is not hygienic in condition, then there is probably growth of microbes, bacteria, fungi, there is the algal growth on the food setup and then leads to the food spoilage on its consumption, there leads to infectious diseases, that is the common infectious diseases associated with that. Means now this food is contain the toxin, then we have to consult the doctor on an emergency and immediately contact with the doctor, then diagnosis, and we should then after diagnosis symptoms are seen, then there is a proper prevention measures can take place, then with the help of the medicines, with the help of the other preventive measures that can be curable, that we should take proper care. If food is poisoning, if food is stored and it is not properly stored, there is a mismanagement in the storing and there is not proper way of cooking food, it is also second
factor leads to food poisoning, and there is a growth and development of microorganisms. This is the third. Now their food is uncovered, and the growth and development of microorganisms on this food leads to the alteration in the components of food. Now this food is spoiled by the microorganisms. अब और भी कारण है, और भी फैक्टर है. अगर वो जगह खाने पकाने की जो जगह मतलब हाइजीनिक ना हो कंडीशन में, देन देर इज अ चांसेस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन द एयर, इन द वाटर, एंड देन जो कुक कुक हो मतलब जो इसके साथ पकाने से वाबस्ता रखता हो, उसका हाइजीनिक नहीं हो, दैट इज नॉट पर्सनली हाइजीनिक. इनके कारण जो फूड होता है वो कॉन्टेमिनेट होता है, देन लीड्स टू फूड बॉर्न डिजीजेस. नाउ अब देयर इज द सेकंड टॉपिक टू डिस्कस रिलेटेड टू द फूड पॉइजनिंग. इफ देयर इज द चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग व्हाइल द स्टोरिंग, फूड पॉइजन कैसे होता है, फूड स्पॉइलेज कैसे होता है, जब हमारे पास बहुत सारा खाना मौजूद हो, इसको इसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, चांसेस है फूड पॉइजनिंग की, चांसेस है फूड स्पॉइलेज की बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस फूड बाय गेटिंग इट द स्पॉइलेज, बाय हैविंग अ फूड प्रिजर्वेशन. नाउ वी हैव द नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू थिंक that there should be a proper food preservation methodologies. That is, according to this, there should be proper food preservation. How we can preserve this food setup if it is huge in quantity, now it is in storage form, how we need in a future. आप उसी वक्त हम सारा कंज्यूम नहीं कर सकते वो खाना, वेजिटेबल फ्रूट्स पिकल्स जैम्स स्कॉचिस अदर वेजिटेबल्स रॉ वेजिटेबल्स कुकड वेजिटेबल्स मीट फिश बहुत सारे फूड. अब वी नीड इट अस फ्यूचर टाइम के लिए इसको कंज्यूम करना है, उसके लिए आपको प्रिजर्वेशन मेथडोलॉजीज है वो फॉलो अप करने. वो मेथडोलॉजीज क्या है? In order to have a proper food preservation, those methodologies are given here. Then one is the chemical methods. Chemical methods. Second is the chemical method by use the chemical preservatives we can preserve the food material, cooked or raw food material. Then is the preservation. By adding salt. और भी है preservation by sugar. Preservation by shabash oil and vinegar. That is the acetic acid. And preservation by heat and cold treatment. Preservation by airtight containers, when there is a storage of food material. These are the following methods through which we can preserve the food material. Chemical method B is the preservation by salting. Third is the sugar. Third is by means of oil, acetic acids, by treating the heat and cold treatmentation. And F is the एयरटाइट कंटेनर. केमिकल मेथड्स में क्या होंगे, जो भी वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है या पिकल्स है, हम उनको केमिकली प्रिजर्व करते हैं. वी हैव सम केमिकल सब्सटेंस, आई हैव टू डिस्कस अबाउट द ए पार्ट हियर. वी हैव अ सोडियम बेंजोएट, वी हैव अ सोडियम मेटा
by sulfide, we have sodium nitrate. These are the chemicals, or we have these are the chemicals through which we can preserve the food materials by getting to prevent it by getting the spoilage. उनको बचाना है spoil होने से chemical methods है ये हम these are known as the chemical preservatives. These are the chemical preservatives: sodium benzoate, sodium meta bisulfite, sodium nitrate. They are added to the food material जिनको हमें preserve करना है future time के लिए. तो हम इनको हम कहते हैं chemical preservatives. खास तौर हम इसमें जो pickles है या जो food material हो fruit या vegetables हम कहेंगे cooked जो vegetables हो उनको preserve करना है खास तौर इन chemicals. These chemicals prevent the growth and development of microorganisms on the food materials and hence prevent it by spoiling. Then is the another preservation by salt. Isko when we are adding the salt to the food materials तो उस मेथड को हम कहते हैं सिंपली साल्टिंग. साल्टिंग में क्या होता है, देयर इज द एडिशन ऑफ साल्ट, साल्टिंग. नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द बी पार्ट, दिस साल्टिंग. साल्टिंग में क्या होता है, एडिशन ऑफ साल्ट. याद रखिए, आमतौर देखा जाता है अगर फूड को प्रिजर्व करना है हमें इन कंपोनेंट्स जो फूड मटेरियल में मॉइस्चर होता है वाटर उसको कंट्रोल करना. याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं, वाटर को मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड मटेरियल उसको चेक करना है, अवेलेबल ऑफ ऑक्सीजन इसको चेक करना है, टेम्परेचर इन द सराउंडिंग हमें खास तौर इन तीन चीजों को चेक करना है जब भी हम फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करें. मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इसको चेक आउट करना है, मॉइस्चर कंटेंट को चेक आउट करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर इन द सराउंडिंग उसको चेक करना. इन तीन फैक्टर्स को जब आपने इन तीन चीजों फैक्टर्स को क्या किया है कंट्रोल, तभी तो आप कामयाब हो सकोगे फूड को प्रिजर्व करने में. यहां साल्टिंग, साल्ट से क्या होता है, जब भी हम there is a addition of salt on the food material, food में क्या होता है, ये जो हमने salt add किया है it will reduce the, असल में क्या कर लेगा, देखो कैसे चेक किया इसने, reduce the moisture content in the food material. फूड मटेरियल में जो मॉइस्चर होगा ये पानी उसको ये क्या कर लेगा, रिड्यूस. हमने बाय एडिंग द सॉल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कुकड फूड, मीन्स कुकड वेजिटेबल्स अदर मतलब फूड स्टेप को साल्टिंग, जस्ट बाय स्प्रिंकल ऑफ द सॉल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फूड मटेरियल, उससे जो मॉइस्चर होगा, जो फूड मटेरियल में मॉइस्चर होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारा के सारा उसमें बाहर आएगा. अब माइक्रोब्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मॉइस्चर कंटेंट जरूरी होता है, वो हमने रिड्यूस किया. इस तरह हमने बैक्टीरिया को ग्रोथ और डेवलपमेंट को चेक आउट किया है. दैट मीन्स नाउ देयर इज नो चांस ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन द फूड मटेरियल. इसका ये फायदा है, इट इज अ ओल्ड एज प्रैक्टिस. मतलब जब हम फिश मीट कैन बी प्रिजर्व बाय द साल्टिंग, गो साल्ट बाय स्प्रिंकल साल्ट ऑन द फूड सेटअप लाइक मीट फिश एंड वेजिटेबल्स दैट अदर फूड सेटअप कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग द साल्ट. दैट मीन साल्ट मतलब एड करने से जो भी मॉइस्चर कंटेंट हो हम उसको रिड्यूस कर ले. ये भी एक फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. जितना फूड सिस्टम में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा स्पॉइलेज होने के चांसेस बहुत होते हैं. देयरफॉर वी एड द
देयर इज अ प्रिजर्वेशन बाय सॉल्टिंग. देन अनदर इज द एडिशन ऑफ बाय इट इज अ सी पार्ट. नाउ दिस दैट इज द बाय मीन्स ऑफ शुगर. शुगर से हम कैसे प्रिजर्व करने जा रहे हैं, मतलब हमने कुछ फूड जो बाय द एडिशन ऑफ शुगर, शुगर विल ऑल्सो रिड्यूस द मॉइस्चर कॉन्टेंट, रिड्यूस मॉइस्चर शबर मॉइस्चर कॉन्टेंट इन द फूड स्टफ, इन द फूड स्टफ. एंड देन देयर इज द चेक ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हेनस एंड हेनस देयर इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड मटीरियल. हम इस मेथड से जो जैम्स है, आपने देखा जैम्स जो होते हैं जेलीज, जैम्स जेलीज स्कॉशस स्कॉशस हाँ अदर स्वीट्स स्वीट्स, तो इनको हम जो होते हैं अदर जो वगैरह वगैरह ये जो है जैम्स जेलीज स्कॉशस स्वीट्स, आप देखिए इनमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें खांड ज्यादा होता है. खांड जो होता है शुगर शुगर दैट इट इज अ सॉल्यूट जो भी फूड मटेरियल में जो आप देखो जैम्स हम फ्रूट से बनाते हैं, बहुत सारे फ्रूट से हम तरह तरह के जैम्स अलग अलग फ्लेवर में बनाते हैं, जेलीज अलग अलग तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स मतलब इस्तेमाल होते हैं, जो शरबते वरबते होते हैं या स्वीट्स मिठाइयां होते हैं वो हम फूड स्टफ आटा फ्लोर से बनते हैं इटसेल्फ, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करते हैं. देयरफॉर दीज सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर एडेड दे आर कंसंट्रेटेड इन देयर शबद दीज आर कंसंट्रेटेड इन शुगर सॉल्यूशंस एंड हेंस इट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट. इस चीज को चेक आउट करना, तीनों में से एक को चेक आउट करिए देन या दो को चेक आउट किया तीनों को मतलब कंट्रोल करिए तो फूड को देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल. देन देयर हाउ देयर आप देखिए यहां अच्छी सी बात यहां पे. नाउ थर्ड इज द डी पार्ट बाय मीन्स ऑफ ऑयल. By means of oil, ध्यान देखिए आप मैं बताना चाहता हूं इरेज नहीं होता है मॉइस्चर कंटेंट रहता है. हाँ यहां देखिए जो by means of oil, oil जो ऑयल है यहां पे डी पार्ट में ऑयल, ऑयल इज अ इमेसेबल लिक्विड, इमेसेबल लिक्विड. इट नॉट एलो नॉट एलोस डू नॉट डोंट एलो वाटर या और ऑक्सीजन टू डिजोल्व, मत होता इसमें डिजोल्व, ना ऑक्सीजन डिजोल्व होता है शाबाश ना वाटर डिजोल्व होता है ना ऑक्सीजन अच्छा खासा डिजोल्व होता है इस ऑयल में. आई टॉक अबाउट द मस्टर्ड ऑयल वेजिटेबल ऑयल एनिमल ऑयल व्हाट एवर द ऑयल देयर इज, ऑयल इज आल्सो यूज्ड. जब भी हम फूड मटेरियल चाहे कुकड फूड मटेरियल हो फूड मटेरियल मीट फ्लैश हाँ तो उसके ऊपर हम लेयर चढ़ाते हैं. जब भी हम कंटेनर में इसको प्रिजर्व करते हैं या पिकल्स आप देखिए अचार जब हम बनाते हैं वेजिटेबल्स के बहुत सारे इस अलग अलग किस्म के तो फिर हम एक लेयर बनाते हैं ऑयल लेयर ऑन द सरफेस. नाउ ऑयल लेयर जो हमने इसके ऊपर बनाए इस मटेरियल में या फूड स्टफ में जो ऑयल कंटेंट ज्यादा है दैट विल नॉट अलाउ द ऑक्सीजन द वाटर एंड ऑक्सीजन टू डिजोल्व. जब ये दो चीजें नहीं होंगे ऑब्वियसली देयर इज नो माइक्रोब्स ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जरूरत होता है, उनके लिए वाटर जरूरत होता है, टेम्परेचर भी जरूरत पड़ता है. जब हमने इन दो चीजों पे कंट्रोल किया, अगर ये होता कोई बात नहीं, ये दो चीजों पे हमने कंट्रोल किया है ऑक्सीजन तो डिजोल्व नहीं होता ऑयल्स में, वाटर तो डिजोल्व नहीं होता ऑयल्स में, देयरफॉर ऑयल इज एज अ बेस्ट प्रिजर्वेटिव इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स मीट फ्लैश फिश
दे कैन बी प्रिजर्व, और इन चीजों को ज्यादा तेल भी ऐड किया जाता है दिस ऑयल एज ए लिक्विड एंड नॉट अलाउ द वॉटर एंड ऑक्सीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारा फूड को खराब कर देते हैं। जब ये दो चीजें उनके फैक्टर्स नहीं होंगे फॉर सर्वाइवल के लिए, उनके मौजूद नहीं होगा फूड मटेरियल में, देयर फॉर वी कैन चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम बाय द ऑयल्स। ऑन एडिशन ऑफ ऑयल इट इज ऑल्सो द ओल्ड एज प्रैक्टिस, पिकल्स एंड अदर फूड वेजिटेबल्स, कुकड वेजिटेबल्स, मीट, फ्लैश, अदर वेराइटी ऑफ फूड कैन बी प्रिजर्व ऑन एडिशन ऑफ ऑयल। देन वेनेगर जो है इट इज अ कॉमन नेम ऑफ, आई टॉक अबाउट द सेम एसिटिक एसिड, ये जो है केमिकल एक है, ऑर्गेनिक केमिकल है, इट क्रिएट्स द एसिटिक नेचर। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं वो इस एसिडिक, जब भी हमने ये डाला है हमने फूड सेटअप में, जो भी हमें आपने देखा होगा, जो भी हम पिकल्स बनाते हैं हम, या हम बहुत सारे जो अदर फूड मटेरियल है उसमें ये डालते हैं हम ये एसिटिक एसिड एज ऑर्गेनिक केमिकल लिक्विड, देन इट क्रिएट्स द एसिडिक नेचर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एसिडिक माइक्रोब जो होते हैं इस एसिडिक नेचर में सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं। माइक्रोब्स डोंट प्रेफर टू सर्वाइव इन दिस, एसिडिक नेचर वो पसंद नहीं करते हैं कि उनके वातावरण में एसिडिक नेचर हो। वो दे आर बी किल्ड इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते इस एसिड के कारण, वो मर जाते। इस तरह हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उन पे कंट्रोल कर पाते हैं। देन इन दिस वे, इन दिस मीन वी कैन प्रिजर्व द फूड मटेरियल, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट डी वेनेगर। देन बाय द हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट देने से आपने पढ़ा है कि जो हीट आपने देखा होगा आवर मदर आर यूजुअली प्रैक्टिसिंग इन आवर किचन दैट कोल्ड हीट द फूड मटेरियल, सुच तत् ग्रह हो अनान, सुच तत् हीट दिवान टू रेज टेम्परेचर, रेज करते हैं उस फूड मटेरियल को टेम्परेचर हीटिंग से। हीटिंग ऑल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हीटिंग इट इट किल्स किल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उनको मार देते हैं बाय द हीटिंग। एक लुईस पाश्चर था जिसने एक मेथड, पाश्चराइजेशन मेथड अप्लाई किया है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। मिल्क इज अ बैलेंस्ड डाइट, हाउ वी प्रिजर्व द मिल्क, और इतना ये डेलिकेट फूड मटेरियल है, डेलिकेट तो ये खराब आराम से हो सकता है अगर टेम्परेचर, वातावरण में टेम्परेचर इंक्रीज, या मतलब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजली, द माइक्रोब्स आर ग्रोइंग इन द मिल्क एंड मिल्क कॉन्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो एक प्रिजर्वेशन मेथड है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन इज यहाँ पे इसी पे ये अप्लाई होता है हीटिंग को। जब भी हमें फूड मटेरियल को बार बार, हम दिन में 2 बार या 3 बार खाना गर्म करते हैं, जो हमारा खाना है वो गर्म करते, गर्म करने से डेट मीन वी प्रोवाइड हीट, हीट रेजेस द टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर रेज होने या ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होने से, तभी मैंने कहा यहाँ पे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यहाँ पे टेम्परेचर की बात चल रही है। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स इन द फूड मटीरियल। हेन्स पेस्टराइजेशन ऐसा एक मेथड है जिसमें हीटिंग अप्लाई होती है। कैसे हम मिल्क को बाय दिस मेथड प्रिजर्व करते हैं, हम दूध लाते हैं, दूध को हम टेम्परेचर देते हैं 70 डिग्री सेल्सियस, इस हीट पे, इस टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर कैसे कैसे हम मेंटेन करते हैं, बाय गिविंग द हीटिंग
और इट विल किल द माइक्रोब्स, किल किल्स माइक्रोब्स, या किल्स माइक्रोब्स कितने देर तक, लगभग 15 to 20 seconds तक हमें ये दूध गर्म करना होता है एट दिस टेम्परेचर, एंड द माइक्रोब्स वो ये हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दे किल्स, दे आर किल्ड, देन द मिल्क इज प्रिजर्व बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं तो दूध खतरा रह जाता है मतलब खराब होने से, इट कर्डल, देन द बेस्ट वे एज द लुईस पाश्चर डेवलप्ड पेस्टोराइजेशन मेथड वी कैन प्रिजर्व द मिल्क, को हीट देने से हम फूड मटेरियल को, बहुत सारे फूड मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। आमतौर गर्मियों के दिन हमें देयर इज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द समर डेज ऑल्सो, वेरियस माइक्रोब्स आर इन ह्यूज पॉपुलेशन, देन फूड सेटअप मटेरियल इज वेरी चांसेस टू स्पॉइल, देन हीटिंग बार बार दिन में 2 बार 3 बार हमें वो खाना गर्म करना पड़ता है जस्ट टू वी सप्लाई द हीट, देयर इज अ हीटिंग मेथड ऑल्सो द कोल्ड मेथड, कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट इज पॉसिबल इन द रेफ्रिजरेटर्स, देन हियर इज द कोल्ड ट्रीटमेंटेशन। हियर इज द कोल्ड ट्रीटमेंटेशन बाय इट इज पॉसिबल इन रेफ्रिजरेटर, जिसमें हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिप करते हैं, वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, वेन टेम्परेचर इज अगेन डिक्रीजिंग, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गन, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 35, 36, 37, इसी रेंज में ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो उसमें आराम से माइक्रोब्स ग्रोथ होते हैं और इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, ऑल्सो देयर इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 35 डिग्री, 37 डिग्री। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर माइनस चला जाता है, देयर इज लो डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड एट द डिक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज नो चांस ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर इज नो चांस ऑफ ग्रोविंग, नो चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ शबर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स विच लीड्स टू देयर डेथ एंड देयर सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल, हेंस इन दिस वे वी कैन प्रिजर्व द फूड मटेरियल टू ग्रेट एक्सटेंट, देन दिस इज द कोल्ड ट्रीटमेंटेशन, रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर्स आर इन्वॉल्व, दे आर द डिवाइसेस विच मेंटेन्स द डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इज reduced from the optimum temperature to the minus degree Celsius temperature maintain किया जाता है, and there is at this temperature condition नहीं मिलता है microbes को growth और development होने के लिए, और now they shows no activity, their survival is impossible, in this way we can